तो अभी आपने जो देखा कि मैं एक मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा था इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी लाइन फिल्टर हैं, जैसे कि ये VCC GFX वाला, VCC कोर, VGA कोर और या फिर ये 1V VGA है, तो ये दोनों जो है वो GPU के लिए है, VCC कोर और VCC GFX जो है वो CPU के लिए है। तो यहाँ पे मुझे 3 ओम्स के करीब शॉर्टिंग बता रही है ग्राउंड के साथ में, यानी कि ये लाइन 3 ओम्स के आसपास बता रही है। वैसे ही जो GPU है, उस GPU का जो ये सप्लाई है, उस सप्लाई की वैल्यू भी मुझे 1 ओम्स के करीब मिल रही है, इसकी भी 1 ओम्स के करीब वैल्यू मिल रही है। वैसे ही यहाँ पे है VCCSA, तो VCCSA के ऊपर मैंने देखा कि ये 13 ओम्स के करीब मुझे वैल्यू बता रही है। ये 1.05 वोल्ट वाली VRM सर्किट है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है करीब करीब 1 ओम्स के करीब का शॉर्टिंग, यहाँ पे 1.8, तो ये मुझे करीब करीब 200 के ऊपर के ओम्स बता रहा है। तो सस्पेक्टेड कौन कौन सी यहाँ पे बता रहा है वी लाइन फिल्टर, तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक GPU वाली और एक ये वाली। बाकी की किसी भी जगह पे इस बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, इन लाइनों के अंदर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। जैसे कि ये रैम का सप्लाई है, तो ये 1.5 वोल्ट वाली लाइन है, तो रैम की लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है, ना ही 3 और 5 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है। यहाँ पे हमें 1000 ओम्स के करीब वैल्यू मिल रही है ग्राउंड के साथ में। वैसे ही यहाँ पे बैटरी चार्जिंग का आउटपुट है, वहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो जब कभी भी आप ऐसी शॉर्टिंग वाली केस देखते हो, तब आपका मल्टीमीटर जो है वो आपको 001 यानी कि 1 ओम्स के नीचे की कोई वैल्यू नहीं बताएगा, 1 ओम्स के आसपास की ही वो 1 ओम्स की ही वैल्यू बताएगा, या फिर 002 के आसपास की वैल्यू बताएगा। तो अगर मुझे 1 ओम्स के नीचे वाली अगर वैल्यू चाहिए और मुझे सस्पेक्टेड पार्ट चेक करना है, जैसे कि अभी समझो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसके ऊपर 13 ओम्स आ रहा है, यानी कि अभी मेरा सस्पेक्टेड इसके ऊपर नहीं है। रीज़न क्या है कि 13 ओम्स यानी कि यहाँ पे 1 ओम्स से तो ज़्यादा ही है, तो इसके ऊपर मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डाउट इसके ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर मुझे 1 ओम्स मिला है, इसके ऊपर मुझे 2 ओम्स मिला है, इसके ऊपर मुझे 1 ओम्स मिला है, इसके ऊपर 1 ओम्स मिला है। तो जहाँ पे हमें कम ओम्स दिखता है उसी को हम लोग ध्यान में लेते हैं। तो अभी मैं एक आपको एक और थियरी बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग चेक करेंगे मिली ओम्स की रेंज में। तो मेरे पास में एक ये मिली ओम का मीटर है। इस मिली ओम का मीटर का काम ये है कि किसी भी मल्टीमीटर को, यानी कि मेरे पास में यहाँ पे अलग अलग मीटर है, तो इन मीटर में से किसी भी मीटर को ये मिली ओम्स की रेंज चेक करने लायक बना सकता है। तो मीटर आपका कोई भी हो, आपको शर्त एक ही है कि आपके मीटर के अंदर 2 वोल्ट की रेंज होनी चाहिए या फिर 2000 मिली वोल्ट की रेंज होनी चाहिए। यहाँ पे इस मीटर में जैसे कि है 200 मिली वोल्ट, तो वैसे ही आपको अलग अलग मीटरों के अंदर, इसके अंदर आपको मिल रहा है कि यह है 2 वोल्ट की रेंज। तो ऐसे जहाँ पे आपको 2 वोल्ट की रेंज और आपके मल्टीमीटर के अंदर 2 वोल्ट की रेंज में तो वैल्यू मिल ही जाएगी, तो हम इसके द्वारा जानेंगे मिली ओम्स में कि इसके अंदर सस्पेक्टेड कौन सा पार्ट है जिसके कारण हमें ये सब जगह पे 001 ओम्स ही बता रहा है। तो अगर ऐसा केस आता है तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं, या तो हमारा CPU शॉर्ट है या फिर GPU शॉर्ट है, तो उसको जानने का तरीका क्या है? तो ज़्यादातर लोग ऐसा एक यूज़ कर सकते हैं DC पावर सप्लाई। तो DC पावर सप्लाई में हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और जो कंपोनेंट हीट होता है वही हमारा सस्पेक्टेड है। हम लोग ऐसे चेक करते थे, लेकिन अभी ऐसे बोर्डों के अंदर कि जहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि कौन सी लाइन में कितने वोल्टेज जा रहे हैं, और आपने ज़्यादा वोल्टेज का अगर रेटिंग दे दिया तो होगा ये, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे सस्पेक्टेड, यानी कि अगर समझो यही शॉर्ट है, आपको ये भी शॉर्ट बता रहा है, तो इसके अंदर या फिर इसके अंदर अगर ये दोनों सप्लाई जाते हैं जिसके कारण मुझे यहाँ पे भी शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पे भी शॉर्ट बता रहा है, तो आप अगर यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे जबकि ये सर्किट ओके है, फिर भी अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए, तो होगा ये, या तो आपका CPU शॉर्ट हो जाएगा या फिर उसके रिलेटेड सर्किट उसकी शॉर्ट हो जाएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगी। तो ये मामला थोड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है ऐसे वोल्टेज इंजेक्ट करने में, लेकिन मेरे पास में एक सेफ साइड है और ये है मेरे पास में एक मिली ओम मीटर।
ये मिलियोमीटर सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 3 वोल्ट की बैटरी से, और इसके अंदर 2.7 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट की बैटरी की रेटिंग होगी तब तक ये सही तरीके से आपको वैल्यू मिली ओम्स की रेंज के अंदर बताएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये उसका लंबा जो केबल है, ये केबल की भी वैल्यू वो बताता है, यानी कि मल्टीमीटर होगा तो आपका केबल 1 मीटर का हो चाहे 2 मीटर का हो, तो आपका मल्टीमीटर अगर नॉर्मल है तो वो 1 ओम्स के नीचे तो बताएगा नहीं, लेकिन इस मिली ओम की अंदर ये फैसिलिटी रहेगी कि केबल की लेंथ को भी काउंट करता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस का नियम कि केबल जितना लंबा होगा या फिर जितना पतला होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर तो बहुत पतले पतले केबल होते हैं, बहुत ही बारीक केबल होते हैं उसकी लाइनें जो बनी हुई है, तो यहाँ पे इन लाइनों का रेजिस्टेंस भी वो चेक करेगा, यानी कि वो आपको डेस्टिनेशन पे ले जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका सस्पेक्टेड है, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें सबसे लोएस्ट मिली 100% वही कंपोनेंट या फिर वही लाइन हमारी शॉर्ट है। तो अभी हम लोग मीटर को मिली ओम मीटर के अंदर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास में अभी जो ये मीटर है, मैं इस मीटर को ले लेता हूँ। इस मीटर के अंदर आप एक तो सबसे पहले तो एक डीसी वोल्ट की रेंज में इसको सेट कर लीजिए। डीसी वोल्ट की रेंज में सेट करके इसकी रेंज अभी मैं सेट कर लेता हूँ 2 वोल्ट की, यानी कि देखिए अभी इसके अंदर रेटिंग ये आएगा कि यहाँ पे 1 वोल्ट 000। तो करना ये है कि जब मैं इसके ऊपर मिली ओम मीटर लगाऊंगा तब आप इसकी रेटिंग को समझ लो ओम्स, यानी कि अगर ये 1 ओम्स है तो कैसे बताएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा पहला और पीछे 000 आएगा, यानी कि ये 3 जो जीरो है वही हमारे मिली ओम्स की रेंज है। तो इसको हमें सबसे पहले 2 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट कर लो, चाहे आपके पास में ये मीटर है तो इसको भी आपको 2 वोल्ट की रेंज के अंदर 2000 मिली वोल्ट की रेंज में सेट करना है या फिर 2 वोल्ट की रेंज में सेट करना है। तो अभी मैंने इसको सेट कर दिया है 1 अपनी 2 वोल्ट वाली रेंज में, और इसको नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी इसके ऊपर एक छोटी सी स्विच है, इस स्विच को ऑन करिए। अभी ये यहाँ पे सेल के वोल्टेज बता रहा है, ये 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट का ये सेल है। अभी इसके बीच में जो तार है, यानी कि अभी इन दोनों को मैं जब टच करता हूँ तब इन दोनों तारों के बीच का रेजिस्टेंस भी ये काउंट करती है, लेकिन इसका कैलिब्रेशन करना तो उसका एक अलग तरीका है। उसका तरीका इस तरह से कि मल्टीमीटर के जैसे हम इसको ऐसे टच करके नहीं मालूम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एरिया जो कनेक्ट होगा एक दूसरे को वो बहुत कम दायरे में रहेगा, लेकिन इसको चेक करने का तरीका ये है, इसको कैलिब्रेट करने का तरीका ये है कि आप अपने मदरबोर्ड में कोई भी एक पैड ले लीजिए जिसके ऊपर आपको इस तरह से सोल्डर लगा हुआ हो। तो यहाँ पे सोल्डर लगा हुआ है, आपको करना ये है कि मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब यहाँ पे एक साथ में टच करो, तभी आपका ये परफेक्ट कैलिब्रेट करके बताएगा कि आपका ये जो वायर है इस वायर की कितने मिली ओम्स की रेंज है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी देखिए तो यहाँ पे आप 2.934 अभी देख रहे हैं। अभी मेरा केबल ओपन है, अभी मैं किसी भी एक पैड के ऊपर इसको मैं टच कर लेता हूँ एक ही जगह पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वायर की जो रेंज है 083, यानी कि 83 मिली ओम्स इस वायर की उसकी रेजिस्टेंस है। अभी इनके बीच में जो भी कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू ये बताएगा। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी चेक करते हैं हर एक को अलग अलग, वो जो हमारा लाइन फिल्टर जो हमने सस्पेक्टेड देखे हैं उन सब को अभी हम लोग बारी बारी चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें लोएस्ट वैल्यू मिल रही है। अभी मैं करूँगा ये कि आपको इस ब्लैक वायर को ग्राउंड के साथ में टच कर लेना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो शोल्डर पैड है वही यूज़ करिए, ऐसे शोल्डर पैड को ही यूज़ करिए, ऐसे ब्लैंक पैड जो है उसको यूज़ मत करिए। तो यहाँ पे ऐसी पैड को यूज़ करेंगे हम जहाँ पे शोल्डर पॉइंट लगा हो, तो थोड़ा आपको बार देना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी मिली ओम में चेक करने जा रहे हैं। वो
ओके तो अभी मैं सबसे पहले चेक करने जा रहा हूँ जो अपना 1.05 वोल्ट वाला जो लाइन था, मैं उसको अभी चेक करने जा रहा हूँ। तो उसके लाइन फिल्टर के ऊपर मैं जब प्रॉप को टच करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बता रहा है 19.1। देखिए प्रोबो का कितना था, प्रोबो का था 81 और ये 1.05 वोल्ट वाली जो लाइन है यहाँ पे ग्राउंड के साथ में इसकी कंटिन्यूटी हो गई है 10 मिली ओम की, क्योंकि आपको 92 में से 82 माइनस कर देना है, यानी कि आपको 10 मिली ओम की यहाँ पे ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी मिल रही है। तो अभी हमें सर्च क्या करना है, तो हमें सर्च ये करना है कि अभी ये 94 या फिर 92 मिली ओम से नीचे की कोई अगर वैल्यू है तो वो हमारा सस्पेक्टेड रहेगा। अभी मैं CPU वाला जो VCC GFX है उसके ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है 2.2, तो ये भी सस्पेक्टेड नहीं रहेगा। VCC कोर है 2.2 मिली ओम का, ये भी 2.2 मिली ओम का। अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ VGA 1 वोल्ट वाला जो है उस कोर को, जो हमें रेगुलर मल्टीमीटर 1 ओम्स बता रहा था, तो ये मीटर बता रहा है 1.167 या फिर 1.178 मिली ओम। तो ये भी हमारा सस्पेक्टेड में से निकल गया, आपने देखा था वो रेगुलर मीटर इसको 1 ओम्स ही बता रहा था। अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ VGA कोर वाला, ओके तो यहाँ पे आपको कम वैल्यू मिली, देखिए 0.087। तो 0.087 यानी कि आपका एक सस्पेक्टेड ये था 1.05 जिसकी वैल्यू हमें मिली थी 0.91 या फिर 90, लेकिन उससे कम वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 0.88, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ग्राउंड के साथ में नज़दीक वाला शॉर्टिंग में केस के अंदर है। कौन सा वाला, तो ये VGA कोर वाला। अभी जब हम लोग इसके GPU के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे GPU के ऊपर के जो PF है वो भी हमें शॉर्टिंग में बताएंगे और CPU के ऊपर के PF भी शॉर्टिंग में बताएंगे। तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि आपका ये CPU ख़राब है या फिर GPU ख़राब है तो आप गलत हो सकते हो। तो अभी हमें सस्पेक्टेड पता चल गया है कि यही वाला शॉर्ट लाइन है, यानी कि GPU ही शॉर्ट है। अभी इसके भी नीचे की कोई मिली ओम्स में वैल्यू हमें मिलती है वो हमें अभी हम लोग चेक करने जा रहे हैं। अभी मैं GPU के ऊपर के जो PF है उसकी वैल्यू मैं पहले चेक करता हूँ और फिर बाद में CPU वाले की करूँगा। तो जब मैं रेगुलर मल्टीमीटर से चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे सब 1 ओम्स ही बता रहा है और यहाँ पे भी 1 ओम्स या 2 ओम्स के करीब ही बता रहा है। तो अभी हम लोग सस्पेक्टेड देखते हैं ये ख़राब है या फिर ये ख़राब है या फिर दोनों ख़राब है। तो अभी हमें लास्ट वैल्यू जो थी वो आपको ध्यान में रखनी है, आपको मिली थी लास्ट वैल्यू 0.88 वाली जो हमारी GFX कोर वाली थी। मैं वापस उसके ऊपर चेक कर लेता हूँ, हाँ 0.88, तो ये हमें लास्ट वैल्यू मिली थी। अभी मैं इसके ऊपर जो GPU है उस GPU के ऊपर के जो PF है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 119 मिली ओम, यहाँ पे 2.8, 1154, 126, 168, 124। देखिए अभी आपको ये सब जो है ज़्यादा वैल्यू ही बता रहा है, 0.88 से तो ज़्यादा ही है, 122, 126, 166। तो इसका जो GFX है उससे ऊपर की वैल्यू ज़्यादा ही बता रही है। वैसे ही अभी मैं CPU को देख लेता हूँ, 112, 103, 2.4 यानी कि 2.4 ओम्स एंड 467 मिली ओम्स, 104। तो मैं अलग अलग PFO के ऊपर ऐसे चेक कर रहा हूँ।
तो मुझे 0.88 मिली ओम्स के नीचे की कोई वैल्यू ना तो इसके ऊपर मिली है ना ही इसके ऊपर मिली है। तो शॉर्टिंग अगर यहाँ पे है तो मुझे भले ही वो लाइन कनेक्टेड हो लेकिन यहाँ से यहाँ जो केबल आ रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी काउंट करेगा, तो हम सस्पेक्टेड तक पहुँच पाएंगे कि यहाँ पे ही कुछ ना कोई गड़बड़ है। तो इस तरह से जब आपकी वैल्यू लो होती है वही हमारा सस्पेक्टेड होता है, ऐसा हम जान सकते हैं ऐसे एक मिली ओम के द्वारा। और हमें यहाँ पे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, डीसी पावर सप्लाई से हम ऐसे ही जान सकेंगे और ये सेफ तरीका है, इससे आपके मदरबोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा और आप मिली ओम की रेंज के अंदर आप सस्पेक्टेड कंपोनेंट को इजीली समझ सकते हो। तो ये मिली ओम मीटर सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में लग सकता है, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो, चाहे एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग हो, सभी जगह पे काम में लगेगा, या फिर मदरबोर्ड हो चाहे लैपटॉप हो। इसके अंदर 19 वोल्ट का शॉर्टिंग के लिए जो पीएफ हम लोग चेक करते हैं, यानी कि 19 वोल्ट के शॉर्टिंग के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि हमारे सभी वीआरएम के अंदर आपको दिखेगा कि जो वीआरएम होता है उसकी 19 वोल्ट की जो लाइन है ना उसके ऊपर वो पीएफ हमारे शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे मदरबोर्ड के वीआरएम को हमें शॉर्ट डिटेक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डीसी पावर सप्लाई से हम लोग एम्पियर की मात्रा या फिर वोल्टेज की मात्रा कम करके इसके ऊपर अभी हम लोग जब सप्लाई देते हैं और जो कंपोनेंट हीट पकड़ता है हम उसी को सस्पेक्टेड समझ लेते हैं और उसी को हम लोग बदलते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ऐसा कोई पीएफ जो शॉर्ट है फिर भी वो पीएफ शॉर्ट नहीं होता है, पीएफ हमारा हीट नहीं होता है लेकिन वोल्टिन का जो मॉस्फेट है शुरुआत का ही, तो शुरुआत का जो एक या दो हमें जो मॉस्फेट दिखते हैं वो हीट होता है। तो ऐसे केसों के अंदर हम समझते हैं कि वो मॉस्फेट ख़राब है लेकिन वो मॉस्फेट ख़राब नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें वो जो पीएफ है वो ढूंढने में परेशानी होती है। तो ऐसे हम लोग इस मिली ओम से हम इसको जान सकते हैं कि कहाँ का पीएफ आपका शॉर्ट है। तो आपको मदरबोर्ड में से कंपोनेंट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपोनेंट निकाले बगैर ही आप इसको ऐसे समझ सकोगे। तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ 19 वोल्ट के लिए कि 19 वोल्ट के अंदर अगर शॉर्टिंग है, कोई पीएफ अगर आपका शॉर्ट है तो वो कैसे दिखेगा। अभी एक 19 वोल्ट के शॉर्टिंग के केस के लिए हम लोग देख लेते हैं। इस मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है, ये 19 वोल्ट शॉर्टिंग वाला केस है जिसके अंदर यहाँ पे सब जगह पे अलग अलग वीआरएम है जो हमारे वीआरएम बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे भी वीआरएम है, यहाँ पे भी वीआरएम है, सीपीयू का भी है, यहाँ पे पीछे जीएमसीएच के लिए भी होगा कोई ना कोई वीआरएम, उसका सप्लाई से लेके वो सब कुछ यहाँ पे बना होगा। वैसे ही रैम के लिए वीआरएम, बैटरी चार्जिंग के लिए वीआरएम। तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे कि जो भी वीआरएम होगा उसका जो टी गेट का जो मॉस्फेट होगा उस टी गेट के मॉस्फेट के ऊपर ऐसे पीएफ लगे होंगे, तो ये पीएफ कैपेसिटर जो है वो जब शॉर्ट होते हैं तब हमें सभी वीआरएम के अंदर शॉर्टिंग दिखाई देती है। मैं अभी बारी बारी क्या करूँगा कि इन सभी पीएफओ को अभी मैं इस रेगुलर मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो रेगुलर मल्टीमीटर से आप यहाँ पे देखिए कि इस तरह से कि अभी मैं इस रैम सेक्शन वाले में चेक करता हूँ, 001, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वाली सर्किट है 001, यहाँ पे पीछे की ओर 3 और 5 वोल्ट वाली जो लाइन है उसके पीएफ के ऊपर चेक करता हूँ तो ये पीएफ कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा है, 5 वोल्ट वाली लाइन में भी ये शॉर्ट बता रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी एक वीआरएम है, यहाँ पे भी देख लेते हैं तो ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये सीपीयू वाला वीआरएम है तो ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जब लोग 19 वोल्ट वाला जो इंजेक्शन की जो थियरी है अगर वैसे करते हैं तो समझो कि भी वहाँ पे हमें कोई सस्पेक्टेड कोई पीएफ हमारा शॉर्ट हुआ तो हीट होगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वो हीट नहीं होता है लेकिन वोल्टिंग का हमारा जो ये मॉस्फेट है, वोल्टिंग के मॉस्फेट हमारे हीट होते हैं, यहाँ पे वोल्टिंग के मॉस्फेट है तो वोल्टिंग का फर्स्ट या सेकंड मॉस्फेट हीट होगा लेकिन वो पीएफ हीट नहीं होता है। तो अभी हम इसको मिली ओम से चेक करते हैं। नियम आपको एक ही ध्यान में रखना है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम मिली वही हमारा सस्पेक्टेड पीएफ है। अभी आपको मालूम है यहाँ पे जितने भी लाइन फिल्टर है वो सब वीआरएम है, यानी कि हमें सभी वीआरएम में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग बता रही है। तो अभी हम लोग बारी बारी सभी वीआरएम में अभी हम लोग मिली ओम में चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट है। तो
तो सबसे पहले मैं इस मिली वोल्ट को, इसको मैं 2 वोल्ट की रेंज के अंदर सेट कर लेता हूँ मेरे मीटर को। ये मेरा मीटर अभी मैंने 2 वोल्ट की रेंज में सेट कर लिया। 2 वोल्ट की रेंज में सेट करूँगा तो यहाँ पे वो मीटर बताएगा नहीं वैल्यू। इसका रीज़न है कि बैटरी की जो वैल्यू है वो 3 वोल्ट है, तो उससे ज़्यादा वो बताएगा नहीं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ यहाँ से बैटरी चार्जिंग से ले के रैम सेक्शन 3 और 5 वोल्ट, और यहाँ पे GNSS सप्लाई और फिर CPU का सप्लाई। तो सबसे पहले चार्जिंग वाला सेक्शन जो है उसको मैं चेक करता हूँ, उसके ऊपर के जो कैपेसिटर PF है उसकी वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 408। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इससे कम वैल्यू कहीं पे मिलती है आपको वही ध्यान में रखना है। अभी मैं रैम वाला देख रहा हूँ 425, तो ये तो बिल्कुल सस्पेक्टेड नहीं है, इससे भी कम वैल्यू हमें बैटरी चार्जिंग सेक्शन में मिली है। और भी VRM है उसके अंदर अभी चेक कर लेते हैं। 3 और 5 वोल्ट वाली लाइन के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4 3 6। अभी 5 वोल्ट वाली लाइन में 4 4 5, तो अभी हमें 4 4 5 या 4 4 400 के आसपास की ही वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे एक और VRM है उसको भी चेक कर लेते हैं, 4 1 1, यानी कि ये अब तक की सबसे लोएस्ट वैल्यू है 4 1 0। और हमें एक सेक्शन मिला था बैटरी चार्जिंग वाली 406, यानी कि ये दोनों नज़दीक है 406 या 412। तो इस सेक्शन से भी ज़्यादा सस्पेक्टेड ये हुआ। लेकिन अभी हमें CPU वाला भी सेक्शन चेक करना है, तो CPU वाले सेक्शन का VRM में जब चेक अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये दिख गया हमें 362, यानी कि ये सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। अभी इसके आगे और कोई VRM है ही नहीं 19 वोल्ट की लाइन के अंदर, तो अभी हमें इन यही PFO के अंदर चेक करना है। तो इसके अंदर टोटल 4 PF लगे हैं, तो मैं पहले PF को देखता हूँ। तो देखिए 366, दूसरे PF को 365, तीसरे को 364 और चौथे को 362। तो इन 4 में से ही आपको कोई ना कोई PF आपको शॉर्ट मिलेगा। जैसे ही आप उसको निकालेंगे आपका 19 वोल्ट का शॉर्टिंग इस केस से अंदर से निकल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपकी 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है या 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो भी आप ऐसे ही जान सकते हो मिली ओम की थियरी से। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, एक मिली ओम थियरी से अगर आप किसी भी कंपोनेंट को पकड़ते हो या फिर उसको सस्पेक्टेड समझ लेते हो, तो उसको निकाले बगैर आप इस मिली ओम से ही जान पाओगे, और इसी से आपका रिपेयरिंग काम इजी हो सकेगा।